सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसको इस बजट में कुछ नहीं मिला और बहुत सारे मेंबर 80 के लगभग हम मेंबर जो हैं उत्तर प्रदेश जीत के आए, ना के बराबर मिला। यूपी में 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर, 5 किलो राशन सरकार दे रही है लेकिन जीवन जीने के लिए काफी नहीं है, और भी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत पड़ती है अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए, उसके लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। यूपी जब एक बड़ा राज्य है लेकिन यूपी में भाजपा सरकार की विकास गति बहुत धीमी है। हमारी सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग है, हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। मैं मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1995 में, उनकी बुक है थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, किताब में कहा था राज्य जितना छोटा होगा राज्य की प्रगति उतनी होगी, जनता को रोजगार मिलेगा और जनता का जीवन संपन्न होगा। मोदी, एक बात मुझे आपसे कहनी है, आपने भी ये विषय उठाया था जब आप अपनी बात रख रहे थे, शेड्यूल कास्ट के साथ जो धोखा किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आप इस बात को इस तरह समझे, 1.5 साल पहले मैंने मांग की थी, अगर इतना हितैषी हमारे लोग होते तो जब ईडब्ल्यूएफ 10% दे सकते हैं तो 5% शेड्यूल कास्ट के उन जातियों को दिया जा सकता था, लेकिन दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति नहीं है गरीबों के उत्थान की, साथ साथ ओबीसी की जो जातियां उनको भी दिया जा सकता था। ये जो हमारे साथ खेल किया गया है, ये खेल जो है इसमें बहुत गुस्सा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सत्ता और विपक्ष दोनों जो है अपना स्टैंड क्लियर कर दें, क्योंकि दलित समाज, आदिवासी समाज इसको देख रहा है, वो भूलेगा नहीं, जो उनके गले काटने काम करेगा उनको भूलेगा नहीं। और साथ साथ एक जो मेरी पर्सनल है सर, अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं, जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है, उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और चार चार गोली खाई मैंने, ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमने, हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता, और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को, क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है, ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ, आपने हरियाणा का बजट कम किया जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है, ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं, जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या, खैरात दी क्या आपने कोई, खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई, इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते, आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, माइंड अप प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहाँ बुला के उसका सम्मान करें, हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, गर्ल है वो, उसका सम्मान यहाँ किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात अपना मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे, थैंक यू, कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा बीच में। श्री विशाल पटेल प्लीज। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को अवश्य दबाएं।